सियासी पार्टी जो रिएक्शन के तवां की रिसो पाया जे कि वन आफ्टर द अदर पंजो जजेस जी रेजिग्नेशन सचन था सियासी पार्टीज में छा को खुश या को तबसरो कदे तवां के नजर अचे पयो जजेस जी मुस्ताफी थण ते सो इन वक्त तो कोना हुआ पर इंदो छाकाण त जे कि बई जज साहिबान जे कि रहया मजालिक पन्नकी ए जस्टिस इजाजुल हसन साहब ये तमाम घणो पॉलिटिसाइज हुआ ए उहे बच जाए एक त इजाजुल हसन साहब नवाज शरीफ जा जे केसेस हुआ पानामा के जरिए खुलिया उन केसेस में निगरान जज हुआ बी गाल रिसेंट पास में जो थो पंजाब की असेंबली जैसे टोड़ी वही हुई हुकूमत चूंडू कराने का इनकार किया इलेक्शन कमीशन चाहिए चूंडू में माहौल को नहीं तो उन वक्त लाहौर के सीसीपीए जो जितने बदली जो केस हुए सुप्रीम कोर्ट में इन बिन्हीं जजन वट हुए इन बिन्हीं जजन लाहौर के सीसीपीओ के जो ट्रांसफर के केस के पंजाब की चूंड जो केस में तब्दील कर छो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशनर के घुराया हुए उन्होंने चूंडू छो था करा उन्होंने चंगो भलो उनकी जो क्लास कई उनखा चीफ जस्टिस के खत लिखो तो खुद नोटिस वो सो ये पॉलिटिसाइज जज हुआ इनके अंदाजो हो चुका हाँ वाली अदलिया है वह उन लेवल की जाहिर है हाँ इंसान है जज साहबान बेटा जो पर जो प्रॉपर एजेंडा तहत एक सियासी जमात के फायदो पहुंचाने लाइ पिटिशंस घुराण सवाल उठन ही उठन था पर जस्टिस सिस्टम यानी इंसाफ फराम करण वाला जो इदारा उन्हें में ही डिवाइड नजर अचे या पॉलिटिसाइज हुजन यो केतरो वो मतलब खतरे की घंटी ना है मुल्क के लिए बिल्कुल उनके सजा अदालत खत्म कई वही अदालत खत्म कई वही हाँ अची कल सुप्रीम कोर्ट फैसलो दिनों तो न स्पेशल कोर्ट जो फैसलो ठीक हो मुशरफ सजाए हकदार आइन चोडियो वो बरकरार रखी सो जाहिर है असा अदलिया जेका है वह कदें भी इंडिपेंडेंट कोन रही है अदलिया कदें भी इंसाफ कोन कयो है असा वटि हेठी अदलिया खां वठी सिविल कोर्ट खां वठी सुप्रीम कोर्ट ताईं पर हाँ उम्मीद है असांखे तो जेको ही दौर आहे ईंदड़ चीफ जस्टिस जेके आहिनि जो पॉइंट अची वो ख्याल है जस्टिस एजाजुल हसन खिलाफ को एक बड़ो